तो हे व्हाट इज अप एवरीवन, दिस इज हर्षित, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो भैया जय हिंद का कैंपस टूर है, मैं सारे कैंपस टूर बना रहा था, अभी बीच में रुक गया फिर, लेकिन कैंपस टूर व्लॉग्स आर बैक फाइनली। सो ये जय हिंद का व्लॉग है, साथ के साथ मैंने एचआर केसी भी शूट किया जिसके जो की नेक्स्ट वीडियो आने वाली, तो टेंशन मतलब। और बाकी आप कमेंट बता दो आपको और किसी कॉलेज इंडिया में हो गया उसके लिए कैंपस टूर चाहिए, मैं वो भी कवर करूंगा, ऐसा मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी। ठीक है, तो जय हिंद भैया घुसे। तो जय हिंद आपका सोबो में साउथ बॉम्बे में आता है, उनकी दो बिल्डिंग है, ठीक है, एक ओल्ड वन है न्यू वन। सबसे पहले हमने न्यू वन में एंट्री ली, तो ये आपको जो दिख रही है यहाँ पे एंट्री किया न्यू वन है। उधर कुछ ई सबमिट चल रहा था, मैंने सोचा सही डे पे आया हूँ, ई सबमिट वगैरह चल रहा था उनका जो बिजनेस क्लब है उसका। एंड बात करूँ मैं ओवरऑल कैंपस की, देखो लोकेशन बहुत प्यारी क्योंकि आसपास मरीन ड्राइव है, सोबो इज वन ऑफ द बेस्ट एरिया पूरे बॉम्बे में। कैंपस की बात करूँ सबसे पहले न्यू वन में एंट्री किया, तो न्यू वन देखो वैसे ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नया था बट क्लासेज एज सच बहुत ग्रेट नहीं थी, एवरेज लगी मेरे को। एंड फ्लोर्स वगैरह भी मतलब डल मेरे को बहुत डल वाइब आ रही थी टू बी ऑनेस्ट मतलब। एंड ये देखो ये जो आपको देख रहा है पेरेंट्स वगैरह, जो अभी जूनियर कॉलेज वगैरह का रिजल्ट वगैरह मिला था उसके लिए सिग्नेचर के लिए सारे पेरेंट्स वगैरह आ रखे थे, तो हाँ मेरे को थोड़ी डल वाइब आई कॉलेज से, मतलब एक थोड़ा ब्राइटनेस रही थी कॉलेज में, फन रहते थे, मेठी भाई में मेरी क्लासेज होती, मेठी भाई वगैरह में रहते हैं, बट इधर थोड़ी डल वाइब थी। ओके गाइस, सो वी आर इन जय हिंद अभी। सो एक खाली क्लासरूम मिला, एक अच्छी चीज़ है आज जो ई सबमिट चल रहा है, काफ़ी रश भी है, ठीक है, अच्छा माहौल है मतलब। तो अभी तो क्लासरूम है सेकंड लेवल, कॉलेज इतना बड़ा नहीं है बट ठीक है, नॉट बैड कहूँगा। लाइटिंग इधर बहुत गंदी है, सो दैट गाइस बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला के बारे में बताना चाहूंगा। सो बेसिकली पीडब्ल्यू इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फॉर जेईई नीट कॉमर्स एंड इन अदर मेजर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, एंड पीडब्ल्यू इज द नंबर वन चॉइस ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट, एंड नाउ पीडब्ल्यू हैज कम अप विद अ न्यू कोर्स फॉर कैट स्टूडेंट्स, एंड नाउ कैट प्रिपरेशन विल बी सुपर अफोर्डेबल। एज यू माइट ऑलरेडी नो कैट कोचिंग अंटिल नाउ विल कॉस्ट अ मिनिमम रुपी 25,000, बट नाउ यू हैव अ कोर्स ब्रॉट यू बाय पीडब्ल्यू जो कि है एमबीए पायनियर 2023 फॉर कैट एंड ओमेट स्टूडेंट्स, इन विच यू विल हैव सम ऑफ इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज गिविंग यू फुल गाइडेंस एंड कोचिंग फॉर ऑल सब्जेक्ट फॉर कैट 2023। एंड इस कोर्स का एम है फर्स्ट क्वालिटी देन प्राइस, इसमें हाई एक्सपीरियंस फैकल्टीज है, मॉक टेस्ट है, 15,000 प्लस क्वेश्चन बैंक है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, जीडीपीएस सेशन है, स्टडी मटेरियल कैप्सूल्स है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि प्राइस क्या है भैया इस कोर्स की, सो बेसिकली द रेगुलर प्राइस फॉर दिस बैच इज ₹6,999। ऑल्सो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो जिससे आपको मिलेगा 500 और भी, मतलब आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए। सो बेसिकली दिस बैच इज स्टार्टेड फ्रॉम 16 जनवरी 2023, सो इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ इज द परफेक्ट टाइम। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, इसे डू चेकआउट राइट नाउ। देखो अब हम ओल्ड बिल्डिंग गए, देखो न्यू बिल्डिंग में क्लास वगैरह नहीं थी, थोड़े अच्छे बेंचेस वगैरह थे बट ठीक है, बहुत कम स्पेस थी एंड बहुत डल वाइब थी। अब इस ओल्ड बिल्डिंग में पुरानी क्लासेस वगैरह थी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, बट वैसे वाइब लग रही थी हाँ भैया कॉलेज वाली है, ठीक है, ब्राइटनेस थी थोड़ा, स्टूडेंट्स वगैरह भी ज़्यादा देख रहे थे मेरे को तो इस ओल्ड बिल्डिंग में। एंड प्रॉपर कैंटीन वगैरह भी मुझे इसकी काफ़ी अच्छा लगी, जो ओल्ड बिल्डिंग थी उसमें एज सच प्रॉपर कैंटीन कुछ नहीं है, जो प्रॉपर एक कैंटीन आप कहोगे कि हाँ कॉलेज कैंटीन है वो आपकी न्यू बिल्डिंग में, काफ़ी अच्छी थी, ऑप्शन वगैरह भी बहुत सारे थे, ऐसे लिमिटेड है। एंड या मतलब कह सकते हो कि ये था कि कॉलेज वाइब आ रही है। देन इसमें काफ़ी फ्लोर्स थे आपके, डिवाइडेड थे सेक्शन, एंड देखो ये जय हिंद हो गया, जैसे कि इसमें जूनियर कॉलेज है, सीनियर कॉलेज है, तो जूनियर कॉलेज मतलब आपको 11 12th भी रहता है, फिर सीनियर कॉलेज के डिग्री प्रोग्राम्स वगैरह, इसलिए ऐसा नहीं कॉलेज बड़ा तो था, मतलब 4-5 फ्लोर थे, लैब्स वगैरह थे वो सब था, लेकिन हाँ एक चीज़ थी कि काफ़ी पुराना बना हुआ है, तो आपके लैब वगैरह भी इतने मॉडर्न डे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं है, जैसे अगर मैं बात करूँ मिट्टी बाय में हो गया फिर NMI में, तो उसका काफ़ी मॉडर्न डे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका नहीं तो अंदर दर एंड। बाकी जैसे कि मैंने बताया कि आपका ये PTM वगैरह चल रही थी कि जूनियर कॉलेज के आपको पेपर वगैरह मिल रहे थे, तो उसमें काफ़ी रश था, इस चीज़ की वजह से काफ़ी पेरेंट्स वगैरह आ रखे थे। एंड एक बहुत ज़्यादा क्रेजी चीज़ भी की मैंने, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। सो वन ऑफ द स्टूडेंट जो भैया
जो पीटीएम में आना था उसके उसके काफी कम मार्क्स आए थे एंड ही वॉज अफ्रेड कि फेल हो जाऊँ वो एंड बेसिकली मरीन ड्राइव पे खड़ा हुआ था। तो ही अप्रोच मी, बोलता कि आप चलो भैया बन के चलो ऐसे करके वो। तो मैं लिटरली उसके साथ गया, फिर मैंने लाइक उसका साइन वाइन किया कि हाँ ठीक है आई एम हिज ब्रदर ऐसे करके। थोड़ा मजा आया, थोड़ा यूनिक चीज थी, फन हुआ, स्कैम किया बेसिकली, बट इट वॉज अ लॉट ऑफ फन। कि हाँ यही था पूरा कॉलेज मैंने कवर किया। तो या अकॉर्डिंग टू मी कैंपस ओके, नॉट बैड, नॉट टू गुड बट ओके ओके। न्यू बिल्डिंग तो काफी छोटी लगी, इतना फ्लोर पे कुछ है नहीं, ओल्ड बिल्डिंग काफी बड़ी थी। बट या सब कुछ आपको प्रॉपर पुराना सब दिखेगा कि हाँ भैया ऐसे मुंबई यूनिवर्सिटी, आप एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ी लाइब्रेरी वगैरह। लाइब्रेरी अच्छी थी बट बहुत ज़्यादा बड़ी ऑप्शन वगैरह नहीं थे। तो बस यही थी वीडियो, आई होप गाइज आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगी, हैप्पी, लाइक कर दे फिर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। और कौन से कॉलेज के कैंपस टूर चाहिए भैया बता दो, आ जाएंगे ठीक है। मुंबई के तो मैं जितना हो सके कवर कर रहा हूँ, बैंगलोर हो गया, दिल्ली जो बचा है सब बता दो, आ जाएंगे कैंपस टूर ठीक है। तो बस चले मिलते हैं एक वीडियो में। सो गाइज चल दे, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।